चलिए आए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। x क्यूब माइनस r स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 ये द्विघात बहुपद दिया है और संख्या दिया है 2 1 1 इसके शून्यांक की हमें ज्ञात करना है। तो शून्यांक ज्ञात करने के लिए इसके स्थान पर हम प्लस कर देखेंगे, अगर वैल्यू 0 आ जाता है तो शून्यांक है। तो देखिए क्या रखना है, x के बराबर क्या रखना है, x बराबर 2 रखना है किसके स्थान पर, रखने पर कितना देगा 2 का क्यूब माइनस लगा माइनस लगाइए 4 लिखा है 4 लिखिए फिर क्या देगा 2 का स्क्वायर फिर क्या है प्लस 5 इतने 2 लास्ट में क्या है माइनस 2। 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो 3 4 2 8 आ जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर 4 बार 4 16 हो जाएगा प्लस का 5 में कितना जाएगा 10 हो जाएगा और माइनस का 2 हो जाएगा। देखिए 10 8 18 हो गया और 16 2 माइनस का 18 हो गया, दोनों कैंसिल होकर क्या आ गए 0 हो गए। इसका मतलब दो जो है उसका शून्यांक क्या होगा देखेंगे, x बराबर 1 रखने पर x बराबर 1 रखने पर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस 4 गुणे 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुणे माइनस 5 गुणे 1 उसके बाद लास्ट में कितना माइनस का 2 ये हो जाएगा। 1 का क्यूब 1 आएगा 1 का स्क्वायर 1 होगा 1 चूंकि 4 हो जाएगा 5 के अंदर प्लस का 5 आ जाएगा माइनस का 2 इससे रहेगा 5 की जगह 6 और 4 की जगह माइनस का 6 कैंसिल हो गया 0 आ गया। इसका मतलब क्या है कि जो शून्यांक है वो संतुष्ट कर रहा है 2 और 1 दोनों की वैल्यू संतुष्ट कर रहा है। तो अतः 2 1 1 द्विघात बहुपद का शून्यांक है, द्विघात बहुपद की ये चीज क्लियर हो गया कि ये शून्यांक है। अब जब शून्यांक है तो हमें सत्यापित करना है, उनके सत्यापित हो गया उनके शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध बताना है। तो शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध बताने के लिए हम शून्यांकों का योगफल निकालते हैं, तो हम क्या निकालेंगे शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग क्या रहेगा, जो शून्यांक जोड़ेंगे तो 2 प्लस 1 प्लस 1 कितना जाएगा 4 बटे 1। अब 4 क्या है, 4 जो है माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, 4 जो है माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे यानी 1 क्या है बटे 1 जो है एक्स क्यूब का गुणांक यानी एक्स क्यूब का गुणांक, ये चीज था शून्यांकों का योगफल। अब हम क्या निकालेंगे शून्यांकों का गुणनफल, ये चीज है। अब हम क्या निकालेंगे दो कर्मा का शून्यांकों के गुणनफल का योगफल, दो कर्मा का शून्यांकों के गुणनफल का योगफल निकालेंगे बड़ी जल्दी से, दो कर्मा का शून्यांकों के गुणनफल का योग तो क्या आ जाएगा, तीनों को हम गुणा करके जोड़ेंगे तो 2 गुणे 1 ये दोनों का होगा फिर प्लस 1 गुणे 1 प्लस 1 गुणे कितना रहेगा 2 यानी पहले इसका इसका गुणा फिर इसका इसका गुणा फिर इसका इसका गुणा बराबर कितना रहेगा 2 एक कम 2 प्लस 1 प्लस 2 तो 2 2 4 1 5 बटे 1 5 क्या है 5 जो हमारा है वो x का गुणा है, किसका गुणा है x का गुणा बटे एक क्या है एक जो हमारा क्या है एक्स क्यूब का गुणांक
एक्स क्यूब का गुणा, ये हमारा आ गया, ये राइट आंसर हो गया। तो ये था हमारा जो है पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन, दूसरे क्वेश्चन का सोल्यूशन।